मैं सिमरन हंस और आपके लिए एक बार फिर से बॉलीवुड की एक नई अपडेट लेकर हाजिर हूँ। बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता की बात करें तो तनुश्री दत्ता पिछले साल काफी ज्यादा सुर्खियों में रही थी #MeToo कैंपेन के चलते। #MeToo कैंपेन के जरिए तनुश्री दत्ता ने बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर पर आरोप लगाए थे सेक्सुअल हरासमेंट के। तनुश्री दत्ता का कहना था कि उन्होंने उनके साथ जबरदस्ती की है, तो एक बार फिर से तनुश्री दत्ता सुर्खियों में बन चुकी हैं। तनुश्री दत्ता ने रिसेंटली आमिर खान और दीपिका पादुकोण को लेकर कुछ स्टेटमेंट दी है। वहीं ये स्टेटमेंट जो है बिना नाम लिए दी गई है। जी हाँ, तनुश्री दत्ता ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में उनसे ये सवाल पूछा गया कि आमिर खान ने जो है गुलशन कुमार की बायोपिक मोगुल को दोबारा से ज्वाइन कर लिया है, जबकि उसके जो डायरेक्टर हैं सुभाष कुमार उन पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस दर्ज है। वहीं इस पर तनुश्री दत्ता ने बिना नाम लिए हुए ये कहा है कि बॉलीवुड में सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वहीं तनुश्री दत्ता ने ये भी कहा है कि आप लोग तो बड़े स्टार्स हो, ये लोग बहुत बड़े स्टार्स हैं, इनको ना तो पैसे की कमी है, ना पावर की कमी है, ना किसी चीज की कमी है, फैंस इनके कदम तक चूमते हैं। वहीं इंडस्ट्री में ये 100 लोगों को बोल सकते हैं कि हमारे लिए फिल्म बनाओ, इनके लिए तो कोई भी फिल्म बनाने के लिए रेडी हो जाएगा, ये तो बहुत बड़े स्टार रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये गलत बात है। वहीं दीपिका पादुकोण को लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया। दीपिका पादुकोण ने रिसेंटली लव रंजन की मूवी छोड़ी है, ये रीजन देके कि वो किसी भी ऐसे इंसान के साथ काम नहीं करेंगी जिस पर सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप हो। दीपिका पादुकोण के इस कदम को तनुश्री दत्ता ने अपने आंसर के जरिए अप्रिशिएट किया है और तनुश्री दत्ता का कहना है कि हाँ, बॉलीवुड में आज भी कुछ अच्छे लोग मौजूद हैं जो अपनी बात का स्टैंड रखते हैं, जो बॉलीवुड में कुछ लोगों से अलग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि गुलशन कुमार की जो बायोपिक है मोगुल, उसको डायरेक्ट कर रहे हैं सुभाष कुमार और इस फिल्म में आमिर खान लीड रोल निभाने वाले थे। इस फिल्म को उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन रिसेंटली उन्होंने इस फिल्म को दोबारा ज्वाइन कर लिया है। वहीं दीपिका पादुकोण ने लव रंजन की आने वाली फिल्म को छोड़ दिया है, ये रीजन देके कि वो किसी भी ऐसे इंसान के साथ काम नहीं करेंगी जिस पर सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप हो। वहीं दीपिका पादुकोण के फैंस ने भी एक हैशटैग चलाया था और उन्होंने बोला था कि #NotOurDeepika, बिकॉज उनके फैंस नहीं चाहते थे कि वो लव रंजन के साथ आने वाली फिल्म में काम करें।